हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ मेरे भाई के साथ बाहर, उसको शॉपिंग करनी है तो मुझे लेके जा रहा है। और मैंने पहना है ये ड्रेस क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैं बार बार पहनती हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। अमीरा बाय बोलो। मम्मी रुक तो जाओ, बाय कर दो अमीरा, बाय, मम्मा जल्दी आएंगी। और शादा बोला मुझे वीडियो में मत लेना। यही वो प्लेस है जहाँ पे मैं गिरी थी और मेरा पैर टूट गया था। मैं सोचा चलो आपको बता दूँ आपको मैं। और आज गेट से निकलते ही हमें ऑटो मिल गई थी और हम ऑटो में बैठ के सीधा पहुंच गए थे शांति नगर मार्केट, जहाँ से शायद आपको बैग लेना था। तो हम पहुंच गए, हमें यहाँ से बैग लेना है और शादाब ने ये बैग लिया है बहुत ही ज़्यादा बार्गेन करके। सीरियसली मुझसे ज़्यादा बार्गेनिंग करता है वो। और ये रही शांति नगर मार्केट। तो अगर आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। और ये रही ऑनर शॉप, जहाँ से मम्मी हम लोगों को बचपन में कपड़े दिलाया करती थी और अब मम्मी अमीरा के लिए भी यहाँ से कपड़े लेकर आती हैं। और ये एक शॉप है जहाँ पे सब चीज़ें हैंग करके रखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए और लेना चाहिए। हम लोग भी कुछ ना कुछ देख रहे थे अमीरा के लिए। और ये अंकल हैं जो कि हैंकी बेचते हैं, तो हमने इनसे हैंकी भी लिया था अमीरा के लिए। और फिर ये अंकल है, ये नाइट सूट्स बेचते हैं, तो हम लोग नाइट सूट्स देख रहे थे अमीरा के। फिर हमने ऑटो किया और हम निकल गए रसास के लिए। तो रसास से शादाब को लेनी थी अपने लिए ब्लैक जीन्स, तो हम वो देखने आए थे। और बारिश की वजह से काफ़ी कुछ बंद था यहाँ पे, तो हमें कुछ समझ में आया नहीं, तो हम ऐसे ही निकल गए। फिर हम बाहर आए पिज़्ज़ा खाने, शालीमार पिज़्ज़ा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, आपको मोमोज मिल जाए तो यहाँ आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और जब तक हमारा पिज़्ज़ा आ रहा था उन्होंने हमें फ्राइज़ दिए थे जो कि बिल्कुल फ्री थे, और हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। और बारिश बहुत हो रही थी फिर भी हमने जैसे तैसे ख़त्म कर लिया था। और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था, चीज़ चिकन लोडेड पिज़्ज़ा था, बहुत ही टेस्टी था, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और बारिश की वजह से रसास पूरा खाली था, वरना यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। और फिर हमने ली पेस्ट्री घर वालों के लिए और फिर हम चले गए थे ऑटो पकड़ के घर पे, क्योंकि मुझे घर पे जाके खाना बनाना था। और आज मैं बनाने वाली थी चिकन चिल्ली, तो उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैप्सिकम, अनियन और जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची का पेस्ट। तो मैंने ये चॉप करके बनाया था चॉपर में ये पेस्ट को। और अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो मैंने लिया है आधा किलो चिकन बोनलेस, उसको हम लोग मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक अंडा ले लिया है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, शेज़वान चटनी 2 चम्मच और सोया सॉस, और आप रेड सॉस भी डाल सकते हो, मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला। अब हम डालेंगे नमक, और ये है फूड कलर जिससे आपके चिकन को बहुत ही अच्छा कलर मिल जाएगा। और अब हम डाल रहे हैं 1 स्पून मैदा और डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और पानी ज़रा भी ऐड नहीं करना है। अब हम सारा चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हाथ से मैरिनेट कर लेंगे और हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। अब हम चिकन को डीप फ्राई करेंगे और हम 2 बार फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए एकदम। तो हम सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। और चिकन मैंने बहुत छोटा छोटा सा कट किया था, आप चाहो तो कैसे भी कट कर सकते हो। और अब मैं सारे चिकन को दोबारा फ्राई करूँगी। और ये मैं बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बना रही थी, मेरे पास रेड
सॉस नहीं था, रेड सोया सॉस नहीं था और ग्रीन वाला भी नहीं था, फिर भी मैंने बना लिया, बट बहुत टेस्टी बना था। तो अब हम इसको रेडी करेंगे। तो अब मैंने डाला है चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट थोड़े से तेल में। फिर हम डालेंगे अपने स्प्रिंग अनियन। तो हम अपने थोड़े से स्प्रिंग अनियन अभी डालेंगे, बाद में लास्ट में ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं कैप्सिकम और हमारा अनियन, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। नाउ अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारे सॉसेस। तो मैंने शेज़वान चटनी डाली है और फिर हम डालेंगे अपना ब्लैक सोया सॉस, रेड सोया सॉस और टमेटो केचप की क्लिप मैंने ऐड नहीं कर पाई, मैं भूल गई ऐड करना, मतलब मेरे से मिसप्लेस हो गई, वो डिलीट हो गई। लेकिन आपको इसमें टमेटो केचप भी डालना है 4 से 5 चम्मच, और इसको अच्छे से सॉटे करना है। और टमेटो केचप इज़ मस्ट, आप ज़रूर डालना। और हम इसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। और थोड़ी थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, थोड़ा स्वीटनेस भी ज़रूरी है, आप हनी भी ऐड कर सकते हो। अब हम कॉर्नफ्लोर का जो हमने घोल बनाया है वो ऐड करेंगे, स्लरी, और इसको हम एक एक मिनट भी नहीं, तो कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे करेंगे। फिर हम हमारे चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया है, और इसको 5 मिनट तक अच्छे से सॉटे करना है। फिर गार्निश करना है अपने स्प्रिंग अनियन से। एंड इट्स रेडी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।